एवरीवन डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स स्टूडेंट्स टुडे वी हैव इंग्लिश वर्कशीट नंबर 19 एंड यू विल रीड लेसन नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर और ये आपकी टेक्स्ट बुक हनी स्कल से लिया गया है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसमें जो एक्टिविटीज़ दे रखे उसको हम कंप्लीट करते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिख रखा है एनिमल्स डैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो जानवर फॉरेस्ट में जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली जानवर कहते हैं। एनिमल्स डैट लिव विद अस इन आवर हाउस आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। और जो जानवर हमारे साथ घर में रहते हैं उन्हें पालतू एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स डैट हैव बीन टेम्ड एंड केप्ट बाय ह्यूमंस एज वर्क एनिमल्स और फूड सोर्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। और जो हम घर पे उनको जो पालते हैं या उनसे कुछ काम लेते हैं या फूड रिसोर्स उनसे प्राप्त करते हैं उन एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। राइट साइड में पढ़ते हैं लाइक अस ऑल एनिमल्स नीड शेल्टर टू लिव इन। जैसे हमें रहने के लिए जगह चाहिए वैसे ही सभी जानवरों को भी जगह चाहिए। अ शेल्टर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड एनिमीज देयर शेल्टर्स आर देयर होम्स। जो एक घर रहता है होता है वो उन्हें जैसे हम भी हीट कोल्ड और रेन या दुश्मनों से हमें बचाता है वैसे भी उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम। और हर प्रकार के एनिमल अलग अलग तरह के एनिमल अलग अलग घर में रहते हैं। और इसी से हम एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड को हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको आइडेंटिफाई द एनिमल, आपको एनिमल को पहचानना है और आपको राइट करना है कि ये पेट एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, जैसे एक बार आपके लिए फर्स्ट कर रखा है कैट इज़ ए पेट एनिमल। यही जो सेकंड पिक्चर है ये वोल्फ की है और आप लिख सकते हैं VWOLF वोल्फ इज़ ए वाइल्ड एनिमल। थर्ड ये पिक्चर बियर की है, भालू बियर इज़ ए वाइल्ड एनिमल। फोर्थ पिक्चर है डॉग की, डॉग इज़ ए पेट एनिमल। फिफ्थ पिक्चर है टाइगर की, टाइगर इज़ ए वाइल्ड एनिमल। एंड लास्ट पिक्चर है लाइन की, लाइन इज़ ए वाइल्ड एनिमल आल्सो। तो जो भी ये एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाई गई इसे आप जब चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में तो आप आसानी से उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। अब हमें जो एनिमल्स जिस घर में रहते हैं उसके साथ उसको मैच करना है। लाइन रहता है डेन में, काव रहती है शेड में, हैन के लिए आप रहेगा लास्ट ऑप्शन कूप, माउस रहता है होल में, आंट चिट्टी रहती है आंट हिल में और हॉर्स रहता है स्टेबल अस्तबल में। तो यहाँ पर आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।